एक बार मैं बूंदी के लड्डू बनाने के लिए गई तो बूंदी के लड्डू तो नहीं लेकिन इसका शीरा सा बन गया था दोस्तों। आखिर ये क्यों बना ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाना है कि आपसे ये गलती ना हो। परफेक्ट बूंदी के लड्डू बनाने से पहले परफेक्ट बूंदी बनाना आना चाहिए। मेरे पास प्लेट में यहाँ 5 तरह की अलग अलग बूंदी हैं। एक ही जारे का जो नॉर्मल घर में हम जारा यूज़ करते उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग तरह से बनी। तो आखिर क्या क्या मैंने मिस्टेक की कि बूंदी इस प्रकार से बनी, ये मैं आपको वीडियो के बीच बीच में समझाते जाऊँगी। सबसे पहले बूंदी जो ऐसी बन थी जो चपटी हो चुकी है, दूसरी बार में ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह सी लंबी लंबी सी गिरी, थर्ड ये जो है ये परफेक्ट है। ये परफेक्ट क्यों है, मतलब मैं इसको परफेक्ट क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको आगे समझाती ही हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये भी गोल है लेकिन ये थोड़ी सी टाइट है, इसकी जो आउटर लेयर है ये टाइट है, इसके अंदर चाशनी अच्छे से नहीं जाएगी, ये जूसी नहीं बनेगी। और उसी झारे से मैंने बाकी जो बूंदियाँ बनाई ना उसी से ये भी बनाई, लेकिन ये एक जगह जाके जमा हो रही थी। तो आखिर इस तरह की परेशानियाँ आपको ना आए तो इन्हीं के बारे में सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको बूंदी के लड्डू परफेक्ट बनाने के लिए सिर्फ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ खास ध्यान देना है इस वीडियो में। जो पॉइंट नंबर 1 है बैटर की कंसिस्टेंसी, पॉइंट नंबर 2 चाशनी की कंसिस्टेंसी और पॉइंट नंबर 3 ऑयल का टेम्परेचर। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह के मज़ेदार लड्डू बनाने की रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बूंदी के लड्डू बनाने के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। मैंने कप में चीनी ली है लेकिन ग्राम का मेजरमेंट भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है। 1 कप चीनी मैंने डाल दी, इस तरह से फैला दी है इस बड़े पतीले के अंदर। और ये ग्राम में चीनी 200 ग्राम थी, इसमें हम इसी कप का नाप के पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पानी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3/4 कप, या फिर आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूँ तो पानी इतना डालना है कि चीनी के ऊपर पानी की एक हल्की सी लेयर बनी रहे इस प्रकार से बस। तो अब हम इसे गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ इस बाउल में मैं डाल रही हूँ बेसन, तो ये मैंने 1 कप जितना बेसन डाल दिया और ये फिर से 1/2 कप, तो 1.5 कप हमने बेसन लिया है और 1 कप हमने चीनी ली। ये हो गई कप की मेजरमेंट। लेकिन अगर चीनी और बेसन दोनों को ग्राम में नापा जाए तो दोनों इक्वल है, यानी कि चीनी 200 ग्राम है और बेसन भी 200 ग्राम ही है। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल नमक, ये बिल्कुल 1 चुटकी भर के नमक डालना है बस, इतना सा ये हमने डाल दिया। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अगर बेसन के अंदर छोटी मोटी गुठलियाँ होंगी तो ऐसे विस्क से या चम्मच से ही आप इसे मोड़ सकते हो या फिर इस बेसन को आप छान भी सकते हो। यहाँ पे उसी कप में मैंने 1 कप जितना नॉर्मल पानी लिया है और अब हम पानी धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। इस बैटर में हमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है, और अगर गलती से आप लोगों से इसमें गुठलियाँ पड़ जाए तो आप इसे मिक्सी में चला सकते हो, मतलब गुठलियाँ हमें मोड़नी होंगी क्योंकि ये बैटर हमें बिल्कुल ही स्मूथ चाहिए। ये धीरे धीरे करके मैंने पानी ऐड कर दिया तो लगभग मैंने उसी कप का 3/4 भाग जितना पानी ऐड कर दिया है, और ml में पानी 180 या फिर 200 ml जितना पानी मैं डाल चुकी हूँ। ये बैटर की कंसिस्टेंसी देखना बेहद ज़रूरी है और यही हमारा पॉइंट नंबर 1 है। इस तरह का बैटर हमने जो बनाया है, जो झारा हम यूज़ करेंगे ये उसके लिए ठीक है या नहीं ये देखने के लिए आप झारे के ऊपर थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए दोस्तों। बैटर जो है ये देखिए बूंदों में गिर रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम धार में गिर रहा है या गिर ही नहीं रहा है, एकदम बूंद हो के गिर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमने बैटर बना लिया है। इसे मैं ऐसे ही ढककर 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो शुगर है ये अच्छे से पिघली नहीं है, हम इसे अच्छी तरह से घुलने तक चला लेते हैं। अब दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो बूंदी के लड्डू के लिए एक तार से अच्छी चाशनी हमें चाहिए होती है, मतलब बिल्कुल शुगर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए होती है बिल्कुल जमने वाली, कि लड्डू जब हम बांधेंगे तो वो बंधना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं, उन्हें ये चाशनी की कंसिस्टेंसी ही समझ में नहीं आती है। एक तो उनसे ये गलती हो जाती है, एक तो वो शुगर सिरप को इतना कम पकाते हैं कि लड्डू तब भी बंध नहीं पाता, या फिर इतना पका देते हैं कि लड्डू बांधने से पहले ही सारा लड्डू का मिक्सचर एकदम जम जाता है और लड्डू एकदम कड़क हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें लड्डू में मॉइस्चर चाहिए है, मॉइस्ट लगने चाहिए, माउथ मेल्टिंग लड्डू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगर दोनों उंगलियों के बीच में मैंने ये सिरप चेक किया तो ये उंगलियाँ सिर्फ आपस में चिपक रही हैं, इनमें कोई तार नहीं बन रही। हमें शुरुआत में तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस आप इसी तरह से ये ऐसे चेक कर ले उंगलियों में ये चिपक रहा है या नहीं और गैस की फ्लेम को बंद कर दे। इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये मैंने डाल दी, मिक्स करेंगे, ढककर साइड में रख देंगे। तो दोस्तों अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये बैटर हमने ऐसे ही साइड में छोड़ा हुआ था। ये देखिए मैं इसे फिर से एक बार फेंट लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए। अब गैस की दूसरी तरफ आप तेल या घी जो भी रखना चाहते हैं वो गर्म होने के लिए रख दीजिए।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल एक चुटकी जितना मीठा सोडा, जो हम पकोड़े वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, इसे मीठा सोडा, कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। ये हमने एक चुटकी जितना डाल दिया। और दोस्तों अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये बेकिंग सोडा क्या करेगा, बूंदी को फुलाएगा। अगर बूंदी फूली फूली बनेगी तो अपने अंदर चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी और फिर आपके लड्डू एकदम मॉइस्ट मॉइस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। अब इस बैटर में से मैं ये दो दो टेबलस्पून बैटर अलग अलग कर रही हूँ। एक बाउल में दो टेबलस्पून ले लिया है और दूसरे में दो टेबलस्पून। हम तीन कलर की बूंदी बनाएंगे, एक पीली, ऑरेंज और ग्रीन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये पीला कलर इस तरह से मिलता है, ये हम एक चुटकी डाल देंगे। बूंदी में कलर मिलाना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बिना कलर के बूंदी के लड्डू बनाएंगे तो वो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे। ये मैंने आपके लिए दिखाने के लिए एक बनाया था, ये देखिए इस तरह से नजर आएगा। ये मैंने मिक्स कर लिया, इसी तरह से ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया है और ग्रीन वाला भी। अगर आप लोगों को परेशानी है कि बूंदी हमेशा इस तरह से चपटी ही बनती है, इसका कारण ये है दोस्तों, तेल या घी जो भी आपने यूज़ किया है वो ठीक से गर्म नहीं है। मतलब जब इसके अंदर बूंदी गिर रही है, तेल या घी के अंदर बूंदी गोल नहीं हो रही, वो फैल जा रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तेल या घी ठीक से गर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट दोस्त, अगर आपने ये बैटर इस तरह का गाढ़ा रखा, ये ज़रूरत से हल्का सा गाढ़ा है, और अगर इसकी बूंदी बनाने की कोशिश की तो बेशक बूंदी बेहद गोल बनेगी एकदम मोती के दानों जैसी, लेकिन इसके अंदर उतनी जगह नहीं है, इसके अंदर जो टेक्सचर है वो उतना पोरस नहीं है कि ये चाशनी को अपने अंदर ले पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनेगी और इसके अंदर सिरप अच्छी तरह से नहीं जाएगा। और अगर फिर भी आपने इस बूंदी के लड्डू बना लिए तो क्या होगा, दूसरे दिन ये लड्डू आपको अंदर से हार्ड लगेंगे, मॉइस्ट नहीं रहेंगे ये दूसरे दिन तक। अब दोस्तों आपने बूंदी बनाने के लिए डाली, बूंदी बहुत आराम से गिर रही है और आराम से ही गिरेगी अगर झारे से बना रहे तो आप, हमें हमेशा आदत होती है कि चलो इसके ऊपर चम्मच घुमा लेते जल्दी से हमारा काम खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बूंदी की सारी शेप खराब हो जाएगी ऊपर चम्मच घुमाने से। ये देखिए लंबी लंबी होकर गिर रही है बूंदी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब अगर आपने लड्डू बनाने के लिए बैटर कुछ इस तरह का पतला किया, अब ये इतना तेज़ी से गिरेगा और बूंदी सारी फट जाएगी तेल में जाके। तो दोस्तों अब हम हमारी फिर से नॉर्मल वीडियो पर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसमें ये एक ड्रॉप गिराई, तेल इतना या घी इतना अच्छे से गर्म था कि ये ड्रॉप बंद गई, फैली नहीं, गोल हो गई। तो इस तरह का हमें तेल या घी का टेम्परेचर चाहिए। बस अब सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ हैं हमारी। अब हम इसमें हमारी बूंदी को फ्राई करेंगे। तो झारा जो है वो बहुत नीचे नहीं रखना है आपको, एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से ऊपर रखेंगे, लगभग 20 या 30 सेंटीमीटर जितनी हाइट रहेगी पैन और झारे के बीच में। और ये मैंने गोलाकार दिशा में डालना है, एक जगह नहीं डालेंगे। एक जगह बीच में अगर बैटर छोड़ दिया तो बूंदी सारी एक जगह जाके जमा हो जाती हैं। मैंने सारी चीज़ें करके देखिए तब जाके ये वीडियो बनाई है। तो देखिए दोस्तों कैसे गोल गोल होके बूंदी नीचे गिर रही है। अब ये बूंदी हम जो घर में झारा अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो इस झारे को ऊपर नीचे हिलाना नहीं है, एक ही जगह पकड़ के रखे, बूंदी को अपने आप तेल में गिरने दे, तभी वो एकदम गोल गोल गिरेगी। और दोस्तों बूंदी को फ्राई होने में 40 सेकंड्स लगते हैं, तो फ्लेम को आपने एडजस्ट करना है। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले, फिर फ्लेम को मीडियम पे रखना है। बूंदी फ्राई आपने कर ली तो देख लेना है, बूंदी को जलाना नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये मैंने बूंदी फ्राई कर ली। ये बूंदी के अंदर का टेक्सचर दिख रहा है आपको, ये छोटे बारीक जो होल्स नज़र आ रहे होंगे एकदम पोरस टेक्सचर, ये बिल्कुल सही से पहचान है आपकी परफेक्ट बूंदी की। अब बूंदी परफेक्ट है या नहीं ये चेक करने का एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। मेरे हाथ में यहाँ पर दो तरह की बूंदी है, दोनों ही गोल है लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर हम इसको दबा के देखें तो ये दब रही है, इसका मतलब है कि ये बूंदी मोटी मोटी बनी है। मोटी बूंदी कब बनती है, जब बैटर थिक हो, गाढ़ा हो, तब ऐसी बूंदी बनती है। और इसके अंदर चाशनी ज़्यादा जाएगी नहीं और इससे बनने वाले लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब थोड़े से हार्ड हार्ड और एकदम चीवी से लगेंगे। और ये वाली बूंदी को अगर दबा के देखा जाए तो ये चम्मच का जोर लगाने से चूरा हो जाती है, इसका मतलब इसके अंदर खोखली जगह है। ये खोखली जगह, ये क्रिस्पी बूंदी हमारी ये मदद करेगी कि अपने अंदर चाशनी को एकदम अच्छे से पी लेगी और इसीलिए हमारे लड्डू जो हैं वो अंदर से मौज बनेंगे। तो समझ गए दोस्तों आप, मैंने यहाँ पर ये तलने के लिए घी का इस्तेमाल किया है आज। ये बूंदी को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, छन्नी पर निकालेंगे, एक्स्ट्रा घी सारा नीचे रह जाएगा। सारी बूंदी को हमें पहले फ्राई कर लेना है, तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत आपको काम में आएगा। तो ये बूंदी को मैं सारे बैचेस में फ्राई कर लेती हूँ। अब जब आप दूसरी बूंदी बनाएंगे तो ये होल्स हमें इस तरह से साफ कर लेने हैं, चम्मच को कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ लेना और फिर दूसरी बार की बूंदी बनाना। आपको ये हर बार रिपीट करना होगा, हर बार आपको झारे को साफ करना होगा।
तो फ्रेंड्स, अब बूंदी बनाने का जो तरीका मैंने आपको समझाया, उसी तरीके से मैंने ये पीली, ऑरेंज और ये ग्रीन बूंदी बना ली है। अब अगर आप चाहो तो इस बूंदी में थोड़ा सा नमक डाल के इसकी नमकीन बूंदी एंजॉय कर सकते हैं, किसी चाट के ऊपर ये काम आएगी। अब हमें इसकी बनानी है मीठी बूंदी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिरप हमने ढक कर रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका होगा, तो फिर से हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। तो सिरप को मैं गैस के ऊपर रख रही हूँ, ये देखिए हल्का इस तरह के बबल सिरप में नज़र आने लग जाए तब ये सारी बूंदी हम सिरप में डाल देंगे। ये मैंने डाली और अब हम इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो, ये अभी आपको बहुत पतला सा नज़र आएगा। तो यही हमारी ट्रिक है। पहले तो हमने सिरप को इस तरह से पकाया था कि जैसे उसमें तार नहीं बन रही थी, अब हम इसको लो आंच के ऊपर इस तरह से पका रहे हैं कि ये जो सिरप है ये बूंदी के अंदर अच्छी तरह से भर भी जाए और हल्का गाढ़ा भी हो जाए, और धीरे धीरे पकते पकते ये तार वाली कंसिस्टेंसी पर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेथड बहुत काम आती है जब हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं, क्योंकि हमें तार वाली चाशनी इतनी अच्छी से अगर समझ में ना आए तो बूंदी के लड्डू बिगड़ सकते हैं। सो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैं यहाँ पे मिला रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू, आप चाहे तो मगज बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची पाउडर तो हम पहले ही डाल चुके थे। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो है, और अब हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मिक्सचर जो है हल्का हल्का आपको ड्राई होता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब बूंदी ने अपने अंदर चाशनी को सोख कर लिया है। जब ये इस तरह का सूखा सूखा सा थोड़ा सा नजर आए, बहुत ज़्यादा नहीं सूखाना है, हल्का सूखा आपको नजर आ जाए, तब गैस की फ्लेम को बंद करें और इसे ढककर रखें। करीब करीब 20 या 30 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो 20 मिनट आधे घंटे का टाइम मैंने बताया, इसके बीच बीच में आपको इसे खोल के 5-10 मिनट बाद एक बार ऊपर नीचे इस तरह से हिला देना है। ऊपर की बूंदी ड्राई हो जाती है, नीचे की गिली रह जाती है, तो इसीलिए इसको ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। तो ये मैंने लगभग इसे हर 10 मिनट बाद 3 बार इस तरह से उलट पुलट कर दिया। अब आपकी ये बूंदी बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए एकदम तैयार है। देखिए दोस्तों, एक दाना दबा के दिखा दूँ कितना रस है इसके अंदर भरा हुआ, ये देखिए दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट। तो बस अब क्या, बहुत ही आसान काम, हाथों को घी से चिकना कर लीजिए और लड्डू बांधिए। अगर आपने लड्डू को दबा दबा के बांधा तो ऊपर का सरफेस चिकना हो जाएगा, और अगर आपने लड्डू को हल्के हाथ से बांधा तो बूंदी नजर आएगी। तो जैसी आपकी मर्जी है उस तरह से बांधिए। अब दोस्तों, अगर इतनी सारी डिटेल जानकारी देने के बावजूद, सब कुछ समझाने के बावजूद भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, लड्डू आपके नहीं बन पाए, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे मिक्सचर आपका बना हो वैसे उसको पड़े रहने दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, वो लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आप और मैं मिलकर कर आपके लड्डू को सुधार लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।